Hello everyone, I am Dr. Veena Devi Singh, Assistant Professor from NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. Today I am going to explain the Pharmacognosy 1 subject. Their subject code is BP405T, and the topic is cultivation and collection of uh, drugs of natural origin. It's टॉपिक में हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज कल्टीवेशन, ओके देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स देन उसके बाद उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसके बाद कैसे कलेक्शन किया जाता है नेचुरल ओरिजिन क्रूड ड्रग्स का एंड देन उसको कैसे स्टोर करते हैं तो इतनी सारे टॉपिक्स हम लोग इस वाले इसमें डिस्कस करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट है हमारा कल्टीवेशन सो व्हाट इज़ कल्टीवेशन तो कल्टीवेशन जो होता है कल्टिवेशन इज़ दी रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर और द मैनेजमेंट ऑफ दी क्रूड ड्रग्स इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो भी हमारे मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उसमें रिक्वायर होती है इंटेंसिव केयर और मैनेजमेंट की ओके okay? तो इसमें हम लोग प्रॉपर केयर के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसका ग्रोथ कराते हैं ठीक है ठीके? अब इसमें जो कल्टीवेशन होता है कल्टीवेशन में हमारी कैटरीज डिपेंड होती है कंडीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द कल्टीवेशन और ये डिपेंड करती है ऑन द क्वालिटी ऑफ़ दी मेडिसिनल प्लांट मटेरियल रिक्वायर्ड मीन्स हमको कैसे प्लांट मटेरियल की किस टाइप की क्वालिटी चाहिए उसके बेसिस पर हम लोग इसको कल्टिवेट करते हैं ओके okay? देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ़ दी कल्टिवेशन तो एडवांटेजेज ऑफ कल्टिवेशन में हम लोग क्या करते हैं इट एंडश्योर्स द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स इसमें हम लोग क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं एंड प्योरिटी को भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग इसको कैसे ग्रो कराते हैं कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है क्योंकि हम लोग प्रॉपर उसमें केयर कर रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा उसकी क्वालिटी भी मेनटेन हो जाती है और उसकी प्योरिटी भी मैंटेन हो जाती है उसके बाद इट इट गिव्स बेटर ईल्ड एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी इसके साथ ही जब हम प्रॉपर उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी को मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हमको उससे अच्छी ईल्ड और उसकी गुड थेराप्यूटिक एक्टिविटी अचीव हो जाती है उसके बाद इट एंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ दी क्रूड ड्रग्स क्रूड ड्रग्स की हम प्रॉपर कल्टीवेशन करेंगे कल्टीवेशन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर वो स्टॉक में अवेलेबल रहोगा जिससे हम उसकी प्रॉपर सप्लाई कर पाएंगे ओके okay, अब कौन कौन से मैथड्स होते हैं यूज फॉर दी प्रपोगेशन और दी कल्टीवेशन ऑफ दी मेडिसिनल प्लांट्स तो यहाँ पे मेनली

टू दी स्टिग्मा इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं पोलिन ग्रेन का पोलिन ग्रेन क्या होते हैं जो हमारे पोलिन सेक्स में प्रेजेंट होते हैं उस पोलिन सेक्स से हमारे जो पोलिन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी इंसेक्ट के थ्रू एंथर से स्टिग्मा में ओके सेकेंड प्रोसेस हमारी होती है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके मेल और फीमेल गेमिट्स क्या करते हैं? उनका फ्यूजन होता है फ्यूजन होने के बाद क्या करते हैं दे विल फॉर्म अट ओके तो जाइगोट का फॉर्मेशन ही क्या, क्या कहलाता हमारा फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं थर्ड थर्ड मेथड होती है हमारी सीडलिंग मेथड इन सीडलिंग मेथड क्या होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लांट्स बाय यूजिंग सीड्स तो इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीड्स प्लांट्स की ग्रो कराने की कोशिश करते हैं ओके सो मेन थ्री मैथड्स कौन कौन से हो गए हमारे सेक्शुअल मैथड ऑफ प्रोपोगेशन के पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन और दी सीडलिंग नेक्स्ट है हमारा इसके अब क्या एडवांटेजेस हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल मेथड्स तो इसमें फर्स्ट है क्योंकि तीन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही थी इसमें फ़र्स्ट हो रही थी हमारी पॉलिनेशन सेकंड हमारी फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड हमारी हो रही थी सीडलिंग तो सीडलिंग प्रोसेस होने की वजह से इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं फर्स्ट एडवांटेज क्या है, है हमारा सीडलिंग्स आर लॉन्ग लाइफ मतलब हम सीडलिंग को प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक उसकी लाइफ रहती है उसकी वायबिलिटी अच्छी मेंटेन रहती है जिससे हम लोग उसको काफ़ी कभी भी यूज़ कर सकते हैं प्रपोगेशन फ्राम दी सीड्स प्रिवेंट वायरल ट्रांसमिशन तो एनी काइंड ऑफ दी वायरल ट्रांसमिशन या किसी भी टाइप की वायरल डिसीजेज होने की चांसेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं सीडलिंग प्रोसेस के थ्रू सीडलिंग्स आर कंपेरिटिवली चीपर एंड ईजी टू रेज मतलब हम लोग सीडलिंग प्रोसेस के थ्रू जब प्रपोगेशन करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं उस कंडीशन में जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी चीपर हो जाती है और हमको ईजली ग्रोन कराने की प्रोसेस जो हो जाती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है ओके नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ दी एक्चुअल मैथड्स तो इसमें अगेन सीडलिंग ट्रीज आर नॉट यूनिफॉर्म इन देयर ग्रोथ एंड ईल्डिंग कैपेसिटी इसमें क्या होता है जो हमारी सीडलिंग के थ्रू जो हम लोग ग्रो कराते हैं और जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है बट ऑबियस है अगर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है जब यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा उसकी जो ईल्डिंग कैपेसिटी है वो भी प्रॉपर नहीं होती है प्रॉपर ईल्डिंग हमको नहीं मिल पाती है सम स्पीसीज डोंट प्रोवाइड वायबल सीड्स मीन्स जो हमारी सीड्स होती हैं उनकी जो वायबिलिटी होती है उनकी जो लाइफ होती, होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है क्योंकि बहुत सारी सीड्स जो होती हैं वो नॉन जर्मिनेटेड होती हैं जर्मिनेट नहीं कर पाती है उस कंडीशंस में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हमारी क्या थे डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेक्शुअल मैथड्स अब उसके बाद सेकंड मेथड आती है हमारी ए सेक्शुअल वेजिटेटिव प्रपोगेशन मैथड्स तो ए सेक्शुअल वेजिटेटिव प्रपोगेशन में क्या करते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज अ रीजनरेशन और अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी तो हमारी जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ हो गई फ्लावर्स हो गए तो रूट्स हो गए स्टेम हो गए ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ठीक है हमारा लीफ हो गया तो ये सारे क्या कहलाएंगे इसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट्स कहलाएंगे जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स कहलाते हैं ठीक है तो द मैथड्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रपोगेशन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी विच डेवलप्ड इन टू वन न्यू प्लांट्स तो इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मैथड्स के थ्रू हम लोग नए वेजिटेटिव प्रपोगेशन पार्ट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट मैथड्स के थ्रू और उसके थ्रू हम लोग उसमें न्यू प्लांट्स की ग्रो करा सकते हैं ओके तो यहाँ पे कौन कौन से मैथड्स हैं कटिंग मैथड लेयरिंग मैथड और दी ग्राफ्टिंग मैथड्स तो ये तीन मैथड्स होती हैं कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग इस मेथड के थ्रू हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं अब फर्स्ट है हमारा कटिंग तो कटिंग नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम लोग कट करेंगे किसका स्टेम का तो स्टेम कटिंग आर जनरली यूज्ड टू ऑप्टेन न्यू प्लांट्स एंड दे आर एग्जाम्पल आर शुगर केन शुगर केन गन्ना आपने देखा होगा वो स्टेम से ग्रो करते हैं स्टेम से उसको हम लोग ग्रो कराते हैं तो उसमें क्या होता है उसकी हम लोग स्टेम की कटिंग कर देते हैं और कटिंग करने के बाद जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं वो उसका वेजिटेटिव पार्ट हो जाता है उस वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हम लोग फिर उसकी ग्रो कराते हैं वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कटिंग प्रोसेस बोलते हैं ठीक है सेकेंड मैथड होती है हमारी लेयरिंग मैथड लेयरिंग मैथड के थ्रू हम लोग कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं तो लेयरिंग मैथड के थ्रू क्या करते हैं इसमें हम लोग स्टेम को लेते हैं जो हमारे ये पेरेंट प्लांट है ये पेरेंट प्लांट है इसमें स्टेम्स हैं ये हमारे स्टेम्स हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं उसका एक स्टेम पार्ट हमने ले लिया और उसको अंडरग्राउंड में जाके अटैच कर दिया ठीक है जब अटैच करते हैं तो इस स्टेम पार्ट से भी अगेन रूट को इंड्यूस कराने की प्रोसेस जो होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग प्रोसेस ओके तो इसमें हमने क्या किया रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम वाइल्ड इट इज़ स्टिल अटैच्ड टू दी पैरेंट प्लांट ठीक है इसमें क्या होता है पैरेंट प्लांट से हमारा स्टेम तो अटैच रहता ही है बट हम जब उसकी जो स्टेम पार्ट को ग्राउंड से अटैच कर देते हैं और अगेन जब रूट पार्ट उसमें इंड्यूज हो जाता है उस कंडीशन के बाद हम लोग पैरेंट प्लांट से उस स्टेम को क्या कर देते हैं डिटैच कर देते हैं ठीक है तो डिटैच करने के बाद जो हमारी दूसरी प्लांट है उससे नया न्यू प्लांट हमारा फॉर्म हो जाता है ठीक है तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है ये प्रोसेस हमारी लेयरिंग प्रोसेस कहलाती है इसका एग्जाम्पल क्या है जैस्मिन प्लांट तो जनरली हम लोग जैस्मिन प्लांट के लिए लेयरिंग प्रोसेस यूज करते हैं थर्ड मैथर्ड होती है इस एक्चुअल मैथड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दैट इज ग्राफ्टिंग ठीक है तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है इट इज अ न्यू वेराइटी इज प्रोड्यूस्ड बाई ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स टू डिफ़रेंट प्लांट्स के हम लोग अलग अलग पार्ट लेते हैं उस प्लांट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसको रैप करते हैं उसमें वैक्स लगाते हैं और जब वो पूरी तरह से ग्राफ्टिंग हो जाती है तो उससे फिर हम लोग न्यू वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है तो इसमें मेनली जो दो पार्ट्स यूज होते हैं तो जो रूटेड शूट ऑफ वन पार्ट इज़ नोन एज स्टॉक तो रूटेड शूट ऑफ वन पार्ट दैट इज़ दॉक एंड सेकेंड पार्ट इज ज्वाइन विद पीस ऑफ शूट ऑफ अनादर प्लांट दैट इज़ शियॉन तो ये शियॉन पार्ट से हम लोग उसको ज्वाइन करा देते हैं ठीक है तो ये जो शियॉन पार्ट एन स्टॉक पार्ट की जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं तो उससे हमको न्यू प्लांट मिल जाता है ठीक है तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग ओके सो थ्री मैथड्स जो थी हमारी ए सेक्शुअल प्रपोगेशन की वो कौन कौन सी थी कटिंग लेयरिंग और थर्ड वन इज दी ग्राफ्टिंग अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दे आर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ए सेक्शुअल प्रपोगेशन और दैजिटेटिव प्रपोगेशन मैथड्स तो डिफरेंट पार्ट्स में भी देर फर्स्ट वन इज द बल्ब सेकेंड इज ट्यूबो थर्ड इज ऑपसेट फोर्थ इज ड्राइजोम वेजिटेटिव प्रपोगेशन बाय रूट्स कॉम्स एंड द रनर तो ये हमारे मेनली सेवन पार्ट्स जो होते हैं देट कैन बी यूज एज अ वेजिटेटिव पार्ट फॉर द प्रपोगेशन मैथड्स ओके सो फर्स्ट वन इज द बल्ब तो एग्जाम्पल और बल्ब पार्ट इज दी एलियम तो एलियम यू कैन सी दिस इज दल्ब तो ये एलियम का एग्जाम्पल है तो so, यहाँ से फिर हम लोग बल्ब के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रपोगेशन कराते हैं सेकेंड हमारा ट्यूबर्स तो सेकेंड एग्जाम्पल इज़ पोटैटो तो पोटैटो सबने देखा है पोटैटो के हम लोग क्या यूज़ करते हैं ट्यूबर्स यूज़ करते हैं उसके बाद थर्ड है वेलेरियन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्सिट तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा ऑप्सिट पार्ट होता है देन जिंजर और दी टर्मरी जो होती है उसका हम लोग क्या यूज़ करते, है? यूज करते हैं राइजोम पार्ट यूज़ करते हैं उसके बाद फिर हमारा आता है एस्परेगस एस्परेगस का मेनली हम लोग रूट पार्ट यूज़ करते हैं देन कॉम्स कॉम्स का एग्जाम्पल है कॉलजिकम कॉलचिकम का ये हम लोग कॉम्स यूज करते हैं एंड लास्ट वन इज दी पिपोमैन पीपर, पीपर वन का हम लोग रनर पार्ट यूज करते हैं ओके सो देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन मैथड्स तो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू भी हम लोग इसकी ग्रो करा सकते हैं अब उसके बाद वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैथड्स तो स्पीसीज फॉर्म्ड थ्रू दी ए सेक्सुअल प्रोसेस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल यूजफुल ट्रीट कैन बी प्रिजर्व अमंग दैम इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ए सेक्शुअल प्रोपोगेशन मैथड्स के थ्रू कराते हैं तो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ओके इसके अलावा जो अच्छे ट्रेड्स या न्यू स्पीसीज जो जनरेट होती हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं ओके okay? क्रॉप्स दैट प्लांट विच डू नॉट पर्जेस सीड्स ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते हैं उन प्लांट का भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ए सैक्शुअल मैथड्स प्रपोगेशन करा सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल लाइक जैसमीन शुगर किन पोटैटो बनाना और द रोज़ इन दिस टाइप ओनली अ सिंगल पैरेंट इज़ रिक्वायर्ड हमको सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स का कोई भी एक पार्ट ही चाहिए तो हम लोगों को सिंगल पेरेंट प्लान्ट से भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैथड्स करा सकते हैं इसमें कोई भी डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक इस एक्चुअल मैथड्स में हमने देखा था कि पोलिनेशन यूज़ कर रहे थे फर्टिलाइजेशन यूज़ करा रहे थे और हम लोग उसमें एक और मैथड जो थी यूज़ करा रहे थे तो उससे हम लोग उसको इसमें हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ओके okay? डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो नो न्यू वेराइटी कैन बी इवोल्व तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कोई न्यू वेराइटी इवॉल्व नहीं करा सकते प्लांट ग्रोन आर नॉट डिसीज़ रेजिस्टेंस जो प्लांट ग्रो करते हैं इट मे बी देयर में बी ए चांसेज ऑफ दी डिसीज डिसीज जनरेट हो सकती हैं तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए इस एक्शुअल मैथड्स के तो हमने क्या देखा कि कल्टिवेशन देखा देन उसके बाद क्या प्रोसेस आती है कल्टिवेशन के बाद कलेक्शन की जब हम प्लांट को ग्रो कराते हैं देन आफ्टर दैट वॉट वी विल डू वी विल डू दी कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट्स ओके सो कलेक्शन जो होता है कलेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच कम्स आफ्टर कल्टिवेशन सो ड्रग शुड बी कलेक्टेड वैन दे कंटेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ हाईली साइंटिफिक मैनर तो जिसमें ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम लोग कोशिश करते हैं कि उस ड्यूरेशन में ही हम लोग उसका कलेक्शन करें तो किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स मटेरियल्स को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग अप्रोप्रिएट सीजन और द टाइम पीरियड तो हमारा जो भी सीजन और टाइम पीरियड होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए अदरवाइज़ हमारे जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिटुएंट्स है इट मे बी सफ़र अच्छी ईल्ड नहीं आ सकती है उसके जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिटुएंट्स हैं वो भी हमको ऑप्टेट नहीं हो सकते हैं टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ द बोथ

जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग सीजन तो फ्लावरिंग सीजन के जस्ट बिफोर हमको लीव्स का कलेक्शन करना चाहिए ताकि उसमें से हम ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑप्ट कर सकें ठीक है एग्जाम्पल आर वसाका और दी डिजिटाइलिस सेकेंड फ्लॉर्स फ्लार्स को कब कलेक्ट करते हैं बिफोर दे एक्सपांड फुली जब वो एक्सपांड फुली नहीं करते हैं उसके पहले ही हमको उसको कलेक्ट कर लेना है लाइक like क्लोब और दी सेफ्रॉन तो हमारी जो लौंग होती है और केशर होता है उसको हम लोग कब करते हैं जब वो एक्सपांड नहीं करते हैं फुली उसके पहले ही हमको उसको कलेक्ट करना होता है अदरवाइज उसके मेन जो कॉन्स्टिट्यूंट हैं वो जा सकते हैं ठीक है अंडरग्राउंड ऑर्गन्स कब कलेक्ट करते हैं तो जब उसका एरियल पार्ट एरियल पार्ट मीन्स अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स तो उसके प्लांट्स का जो एरियल पार्ट है जब वो डाई हो जाता है ऑन दैट कंडीशन हमको उस ड्यूरेशन में अंडरग्राउंड ऑर्गेन्स को कलेक्ट करना चाहिए एग्जाम्पल है लिक्वराइज और दी राउबोल्फिया नाउ कलेक्टेड मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन क्लीन बास्केट मैच बैग्स और अदर वेल एरिएटेड कंटेनर्स ओके आफ्टर कलेक्शंस द रॉ मटेरियल्स मे बी सब्जेक्टेड टू अप्रोप्रिएट प्रिलिमिनरी प्रोसेस मतलब आफ्टर कलेक्शन हमको उसमें प्रॉपर डर्टिंग को रिमूव करना होता है बहुत सारी प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ द अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स एंड कॉन्टामिनेंट्स वॉशिंग शॉर्टिंग एंड कटिंग जितने भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको हमको उसको रिमूव कर लेना है वॉश कर लेना है शॉर्ट आउट कर लेना है और उसमें से कट डाउन कर लेना है ठीक है अब उसके बाद जो ड्राइंग होती है ड्राइंग ऑफ ड्रग्स तो मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी ड्राइड इन अ नंबर ऑफ वे नेचुरल ड्राइंग एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो नेचुरल ड्राइंग में क्या करते हैं दो प्रोसेस होती है या तो सनलाइट में करते हैं या फिर शेड में करते हैं तो so, सनलाइट में करने के लिए क्या करते हैं इट मे बी आई डायरेक्ट सनलाइट और दी दैड ओके नेचुरल कलर्स कंटेनिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं लीव कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं और जिनमें वोलाटॉइल प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है वोलाटोल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ड्राई करना चाहिए हमको उनको शेडो में करना चाहिए ठीक है एंड आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या करते हैं डिफरेंट आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू उसकी ड्राइंग प्रोसेस करते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज फॉर दी आर्टिफिशियल ड्राइंग्स और लाइक ओवन वैक्यूम ड्रायर्स और दी स्प्रे ड्रायर्स तो इनके थ्रू हम हम लोग जो ड्राइंग करते हैं दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल ड्राइंग स्टोरेज ऑफ़ क्रूड ड्रग में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं कौन कौन सी चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए ठीक है तो इसमें हमने देखा कि वेल well एरिएटेड होना चाहिए ड्राई होना चाहिए प्रॉपर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी लाइट्स लाइट से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें ऐसा ना होगी हमेशा हम ऐसी कंडीशन में रखें जहाँ पे उन उसको प्रॉब्लम हो जाए ठीक है कि लाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है फ्लोर जो होता है वो टाइडी होना चाहिए उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए और हम उसकी फ्लोर को ईजली क्लीन कर सके अदरवाइज देयर मे बी भी मोर of the any kind of the contamination ok then continuous in process quality control measures should be implemented to eliminate service standard materials फॉरिन मैटर्स प्रायर टू और ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ पैकेजिंग ओके फाइनल स्टेज ऑफ पैकेजिंग के पहले हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना होता है कि उसके जितने भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव कर देना है प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं उनको फॉलो करनी है और जो भी हमारे मेडिसिनल प्लान होते हैं उनको पैक्ड करना है क्लीन ड्राई बॉक्सेज में सेक्स में, में और बैगस में और अदर कंटेनर्स इन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ठीक है तो हमने क्या क्या चीजें देखी कि डिफरेंट कौन कौन से मैथड्स हैं जो यूज होते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दी मेडिसिनल प्लांट्स ठीक है तो जिस पर हमने डिस्कस किया सेक्शुअल मैथड्स और भी ए सेक्शुअल मैथड्स तो उसके हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की कि उसके क्या एडवांटेजेज़ हैं क्या डिसएडवाटेजेज़ज़ज हैं ओके दैन उसके बाद फिर हमने उसमें देखा कि कैसे ही कलेक्शन किया जाता है तो कलेक्शन जब हमने किया तो हमने देखा कि डिफरेंट जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं लाइक लीफ हो गए फ्लावर्स हो गए और भी अंडरग्राउंड ऑर्गेन्स हो गए उनको हम लोगों को कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है कैसे उसमें हम लोगों जो भी अंडर ग्राउंड प्लांट्स होते हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है क्या कलेक्शन का टाइम होना चाहिए ताकि हम उसमें से ज्यादा एक्टिव कॉन्स्टिटूंट ऑप्टेन कर सके ठीक है तो जितने भी लीव्स हो गए तो लीव्स का जब भी हम ध्यान देते हैं तो उसमें जितने भी कलर्स कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम लोग उसको सन ड्राइंग में करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसके कलर्स होते हैं वो इवॉपरेट हो जाते हैं ठीक है थीके? उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि उसको हम लोग शेड में प्रेफर करते हैं ठीक है थीके? ऐसे ही वोलाटोल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स हो गए जैसे कि हमारा क्लोब हो गया क्लोब में जितने भी वोलाटोल ऑयल ऑयल होते हैं तो उसको वो इवॉपरेट ना हो जाए सन ड्राइंग में तो इसके लिए भी हम लोग जितने भी ऑयल कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग शेड में प्रिफर करते हैं ठीक है उसके बाद जब हम लोग फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में हमने देखा कि जो भी फ्लावर्स होते हैं वो फुली एक्सपांड होने के पहले ही हम लोगों को उसको कलेक्ट कर लेना है अदरवाइज उसके जितने भी पैटल्स होते हैं वो भी गिर सकते हैं फॉल हो सकते हैं उसके अलावा जो भी एक्टिव कॉन्स्टिटूंट्स हैं वो हमको अच्छे से ऑप्टेन नहीं हो पाएगा ठीक है तो उस कंडीशन में भी हमको जो भी फ्लावर्स कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको भी बहुत ध्यान रखना होता है लाइक हमने एग्जांपल देखा कि हमारा जो क्लोब था और जो हमारे सेफ्रॉन थे वो फ्लार कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं फ्लार कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं तो उनको हम लोगों को कैसे कलेक्ट करना है ठीक है तो ये हमारी जितनी भी कलेक्शन स्टोरेज और कल्टीवेशन प्रोसेस थी क्रूड ड्रग्स की वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी है ठीक है इसके बाद जितने भी मैथड जो होते हैं और जो वेजिटेटिव मैथड्स हमने पढ़े हैं उस वेजिटेटिव मैथड्स में भी जो डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स हम यूज़ कर रहे थे लाइक बल्ब यूज़ कर रहे थे ट्यूब यूज़ कर रहे थे तो उन सारी चीज़ों का भी हमको प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि बल्ब का कब करना है उसके बाद ट्यूब का कब करना है जो उसमें हमारे स्टोलोन थे स्टोलोन का कब करना है रनर्स जो यूज़ कर रहे हैं रनर्स का कैसे यूज़ करना है तो ये सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान देना होता है ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रपोगेशन मैथड्स में तो कल्टीवेशन प्रोसेस में जितने भी हमारे मैथड्स होते हैं वो सारी मैथड्स को हमको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हमको उसका कल्टीवेशन करना होता है ताकि हम प्रॉपरली इंटेंसिव केयर और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसका हम केयर कर पाए ठीक है थीके? तो जिसमें हमने जो सेक्सुअल मैथड्स देखी सेक्सुअल मैथड्स में हमने डिफरेंट मैथड्स देखी पॉलीनेशन देखा पॉलीनेशन के बाद हमने उसमें फर्टिलाइजेशन देखा ठीक है तो जो पॉलीनेशन फर्टिलाइजेशन और सीडलिंग प्रोसेस थी उसमें सबसे ज़्यादा जो हम ऑप्ट करते हैं वो हमारी जो होती है वो मेनली होती है सीडलिंग प्रोसेस क्यों सीडलिंग प्रोसेस हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका रीजन यही होता है कि सीडलिंग प्रोसेस में जो भी हमारी चीजें होती हैं वो ज्यादा यूनिफॉर्मली चीपर और हमको जो भी साइज ऑप्टेन होती है जो भी प्रोसेस होती है वो काफी कन्वीनियंट हो जाती है उसको कल्टीवेट कराने के लिए तो ये सारी चीजें जो थी हमारी कल्टीवेशन एंड कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग के बारे में था ठीक है